ये मैं डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी, संकाय प्रमुख आयुर्वेद। आज जो प्रेस वार्ता की गई है वह हम लोग 16, 17, 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय यूथ कंक्लेव, इसको संयोजनम 2018 नाम दिया है, का आयोजन काशी नगर में कर रहे हैं। इसमें लगभग 500 प्रतिनिधि छात्र पूरे विश्व से और देश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल, और दूसरा है कि जो आयुर्वेद की विधाएं हैं, जो बहुत से अच्छी अच्छी विधाएं हैं जो देश के कोने कोने में है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला के एक ही जगह उनको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें वर्कशॉप और लेक्चर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको शिक्षा का आदान प्रदान किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरे देशों से भी लोग इसमें, दूसरे देशों के लोग जैसे चेकोस्लोवाकिया, रशिया, श्रीलंका, नेपाल, इस सब के वैज्ञानिक या वैद्य जो हैं वहाँ अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है। जहाँ आयुर्वेद नहीं है वहाँ कोरियन सिस्टम है, वहाँ कंपन मेडिसिन है जापान में, चाइनीज मेडिसिन है, वो लोग जो अल्टरनेटिव मेडिसिन को कहते हैं हम लोग, उसके भी विद्वान यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी नॉलेज को हम लोगों के साथ साझा करें। क्या जैसा आपने जो विधाएं हैं, जैसे मर्म चिकित्सा है, अग्निकर्म है, क्षार सूत्र है, कुछ पंच कर्म है, इस तरह से तमाम कर्म है जो ये असल में घराना होता है, जैसे वैद्य घराना कुछ लोगों ने अपने को एक्सपर्टाइज कर रखा है, वो कहीं भी है देश में, अब उनकी शिक्षा, उनके जो ज्ञान को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसफर करेंगे काशी नगर विश्वविद्यालय में, इससे हमारा भी जो संस्था है इनरिच होगा, पहले से और सशक्त होगा। जितना मेरे पास ज्ञान है वो तो है ही है, हम और भी ज्ञान का अपने में समाहित करें।